नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद खाई में गिरता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो भारत को घेरने चले थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से गलबहिया करके वो भारत से बदला ले रहे थे। उस भारत से जिससे कि उसका सैकड़ों साल का रोटी बेटी का रिश्ता है, सैकड़ों साल का नहीं हजारों साल का, जानकी जी का जन्म यानी सीता माँ का जन्म वहीं पे हुआ था। और तब से उसके पहले से न जाने कब से ये रिश्ता चला आ रहा, लेकिन उन्होंने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा क्योंकि वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के गोद में बैठे हुए थे। शी जिनपिंग के साथ मिलकर के भारत के साथ साजिश रच रहे थे, कई उन्होंने फ्रंट खोल दिया था, एक भारतीय को मार डाला। इसके बाद जब भारत ने 80 किलोमीटर लिपुलेख वाली रोड बनाई तो उसका विरोध करने लगे। नेपाल के संविधान में संशोधन करके लिपुलेख, लिम्पिया धुरा और काला पानी को शामिल कर लिया अचानक, जबकि जो सुगौली संधि हुई थी तब से जो है वो हिस्सा भारत का चला रहा है और 1960 से भारत की वहाँ सेना तैनात था। बहरहाल इन दिनों उन्होंने भारत के नाक में दम कर दिया था। भारत चुप था क्योंकि चीन से उलझा हुआ, कहीं पे वो तटबंध रोक रहे हैं, कहीं पे भारत की ज़मीन को अपना बता रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ कि चीन ने जो उनकी ज़मीन हड़पी थी उन्हें लग रहा था कि भारत की तरफ इस मसले को मोड़ देंगे तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सबसे डेवलपमेंट ये हुआ कि वहां पे विपक्ष में नेपाली कांग्रेस है, संविधान संशोधन में उसने भी साथ दिया था, लेकिन अब उसके तीन सांसदों ने देवेंद्रराज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा और संजय कुमार गौतम, इन्होंने जो है वहां के निचले सदन को नोटिस दिया है कि इस पे चर्चा की जाए, चीन ने हमारी जमीन कैसे हड़पी और उसके वापस ला करके दो ओली सरकार, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुआ है कि उनके प्रतिद्वंदी है पुष्प कमल दाहल प्रचंड, तय हुआ था कि सत्ता की अदला बदली होगी, उन्हें सत्ता चाहिए, लेकिन अब ये केपी शर्मा ओली सत्ता छोड़ नहीं रहे हैं, लिहाजा वो कोविड से निपटने को लेकर के उन पे वार किया है उन्होंने कि हमने जो सोच करके आपको दी थी कुर्सी या चुप बैठे हुए थे वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, कोरोना से निपटने में लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों के आरोप लगे हैं। यानी कि वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ घिरते जा रहे हैं, उनको समझ में अभी नहीं आ रहा है, समझ में आएगा लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। आखिर मसला क्या है जिसको लेकर के ये सब कुछ टूल पकड़ रहा है, झगड़ा हो रहा है? मसला ये है कि वहाँ पे एक रुई गांव है जिसमें 72 घर है, उसको क्या किया है कि चीन ने कब्जा लिया है। 2017 से वो नेपाल के कब्जे में नहीं है, कब्जा उसका है और इधर दिखाता है नेपाल अपने यहाँ। इसके अलावा 4 जिलों में 36 हेक्टेयर जमीन भी उसने कब्जा ली है, 11 नदियों की धारा मोड़ करके उसने ये 36 हेक्टेयर जमीन कब्जाई है। ये 4 जिले हैं हुमला, रसुआ, सिंधुपाल चौक और खनसुआ सभा। तो इस तरीके से चीन जो है नेपाल की ज़मीन कब्जा रहा और ओली साहब चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें भारत को परेशान करना है। चीन का इशारा है कि भारत को परेशान करो, भारत उनकी 1 इंच जमीन नहीं कब्जा रहा है, भारत कब्जाएगा भी नहीं, भारत के पास अपनी ज़मीन बहुत है। चीन साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, उसको ज़मीन चाहिए, उसकी सीमा से 14 देशों की सीमा लगती है, 14 देशों के अलावा जिन देशों से उसकी समुद्र लगते हैं, कुल मिला जुला के 23-24 देशों से उसका झगड़ा चल रहा है। किसके लिए? विस्तार के लिए, साम्राज्य के लिए, भारत से अभी सीमा पे तनाव किसके लिए? वो भारत की जमीन हड़पना चाहता है, बट ओली साहब को समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्हें संसद में जवाब देना पड़ेगा क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि आप संसद की बैठक बुलाइए और इस पर बहस कीजिए और चीन से जो है जमीन वापस लीजिए। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे इसमें कोई डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।